दिस इज मेघा एंड यू आर वॉचिंग मेघा स्टाइल जोन। टाइटल देख के आप लोग सब समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं कि जो आज का वीडियो का जो टाइटल है कि व्हाट इनसाइड माय वैनिटी बॉक्स, बट आप प्लीज ये मत सोचिए कि मैं पूरा वैनिटी बॉक्स दिखाने वाली हूँ बिगनर्स के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो वैनिटी बॉक्स के अंदर, अपने मेकअप बॉक्स के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मेरा मेकअप बॉक्स ये है और इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें रखी है, बट आप डरिए मत प्लीज, मैं पूरा नहीं बताऊंगी। बिगनर्स के लिए क्या क्या चीज नेसेसरी होती है मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। तो ये कुछ टाइप का दिखता है मेरा मेकअप बॉक्स और इसके अंदर मैंने ये प्रोडक्ट रखे हुए हैं। तो यही सब कुछ है मेरे मेकअप बॉक्स के अंदर। बट मैं आज आप लोगों को शेयर करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बिगनर्स के लिए हमें कौन कौन सी चीज बेसिक, कौन कौन से ऐसे नेसेसरी आइटम्स होती है जो हमें अपने मेकअप किट के अंदर रखनी होती है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट द वीक। कुछ लिस्ट बना के रखी हुई है आपके लिए कि कुछ प्रोडक्ट इसमें से स्किप ना हो जाए जो कि मैं आपको बताऊं और जब मैं वीडियो बनाऊं तब। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का टोनर, वो आपके मेकअप किट के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये यहाँ पर मैं यूज करती हूँ, एक रिफ्रेशिंग टोनर है, ये बहुत एवन का प्रोडक्ट है, ये एवन का, और प्राइस मैं आपको बता दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबके प्राइस मेंशन मैं कर दूंगी। अभी मुझे इतना याद नहीं है कि ये कितने के, बट जितने भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के हैं और सारे अंडर 500 में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले ये टोनर है, ये आपके फेस को रिफ्रेश करेगा, कहीं पर भी अगर आपको सडन कोई मेकअप करना है तो आप सबसे पहले इसको यूज करेंगे, तो ये टोनर है। सेकेंड मैं यूज करती हूँ बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइजर, आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि फाउंडेशन लगाने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए। तो मैं यूज करती हूँ यहाँ पे गुड वाइब्स का ये एक फेस सीरम है, ये मॉइस्चराइजर की तरह वर्क करता है एंड इसका प्राइस मुझे याद है तो ये 199 रुपीज का है। बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट ओपन करना है एंड कुछ ड्रॉप्स लेके आपको इसको लगा लेना है आपके फेस के ऊपर बिफोर अप्लाइंग एनी फाउंडेशन और सीसी और बीबी क्रीम व्हाटएवर। तो सेकेंड मैं आपको रिकमेंड करूँ इसका ये फेस सीरम या फिर आप बोल सकते हैं मॉइस्चराइजर। तो ये मैंने परचेज किया था पर्पल से, तो ये है मेरा सेकेंड प्रोडक्ट जो मैं यूज रखती हूँ अपने मेकअप करती हूँ, मेबलिन फिट मी मैट फाउंडेशन और इसका शेड है 128 वार्म न्यूट शेड और ये पोरलेस होता है एंड अगर ये मेरे फेस टोन से थोड़ा सा डार्कर है तो इसीलिए मैं उसके साथ मिला के यूज करती हूँ ये बीबी क्रीम, एवॉन का है ये और इसका प्राइस भी 339 रुपीज है और ये भी शायद 299 के समथिंग आता है। दोनों को मिला के यूज करने से बहुत अच्छा बेस क्रिएट होता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फिफ्थ प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ मेरा सिंपली प्रीति का एवॉन का कॉम्पैक्ट पाउडर है ये। कॉम्पैक्ट पाउडर वर्क करता है आपके जो आपने अपने फेस के ऊपर जो फाउंडेशन अप्लाई किया उसको सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर का जरूरत होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं एंड ये भी बहुत अफोर्डेबल रेंज का है, 239 इसके प्राइस है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया है यहाँ पर कि जितने भी प्रोडक्ट का लिंक और प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर मैं जिक्र करूंगी वो सारे प्रोडक्ट अंडर 500 रुपीज है, तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के प्रोडक्ट मेरे पास है जो मैं बिगनर्स के लिए जो मेकअप किट मैंने तैयार किया है, तो आप ये देख सकते हैं ये सिंपल ब्यूटी का। नेक्स्ट में हम बात करते हैं काजल पेंसिल की, बहुत मस्त है अगर आपके मेकअप पैक में अगर एक काजल हो तो वो वर्क करता है, आईलाइनर का भी काजल का भी सब कुछ। तो एक बहुत अफोर्डेबल रेंज का काजल मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, मैं यूज करती हूँ एवॉन का बट बाकी भी आप लैक्मे का ट्राई कर सकते हैं और भी बहुत सारे काजल के आते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का है मेरा काजल, ब्लैक शेड का है ये वाला, और एक मैं उसके साथ रखती हूँ ब्लू शेड का, ये ब्लू हेवन का काजल है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा गेटअप क्रिएट करना है लाइक आज मैंने ब्लू कलर का आईलाइनर यहाँ पे लगाया है तो उसके लिए, तो आप इस टाइप का कुछ ब्लू अपने काजल पेंसिल्स वगैरह रख सकते हैं। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो सिक्स प्रोडक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट जो आईलाइनर होता है, इसके बगैर तो मतलब मुझे लगता है मेकअप बिल्कुल इनकम्प्लीट सा है। तो ये आईलाइनर मैं यहाँ सिंपली प्रीटी का यूज करती हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आप खत्म होने ही वाला है, वैसे मैंने न्यू बॉटल मंगा के रखा हुआ है। तो ये सिंपली प्रीटी का आईलाइनर है जो मैं यूज करती हूँ।
तो ये बेसिक नीड्स आपके मेकअप किट में होने बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है गाइस। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए होगा तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये कुछ इस टाइप का है, देख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो एक प्रोडक्ट है जो मैं यूज करती हूँ वो है मेरा मेबलिन का ये एक मस्कारा, मेबलिन हैप्पी कलर वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा है ये। इसको लगाने से आपको फॉल्सीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा इसका थिकनेस बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छा ये वर्क करता है, वॉल्यूम आपके लैशेस को ये बहुत अच्छे से देगा। तो ये भी आपके मेकअप किट में होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है फ्रेंड्स। तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, होप आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा। और कितने मेरे सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जो पहले से इसको यूज करते होंगे तो उनको पता होगा कि ये कितने अच्छे से वर्क करता है। तो ये मेरा प्रोडक्ट है एंड इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैं यूज करती हूँ एक हाइलाइटर। हाइलाइटर आपके मेकअप किट में बिल्कुल चार चांद लगा देता है। अगर आप कहीं भी अपनी फेस के ऊपर ये बहुत स्टिक वाला जो ये मेरा हाइलाइटर है, अगर मैं आपको इसकी बात करूँ तो ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। बाकी हाइलाइटर्स क्या होते हैं, आपको ब्रश वगैरह से अप्लाई करने होते हैं, बट इसका अप्लाइंग का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है। आप इसको बस ऐसे करके आप इसको ऐसे अप्लाई करेंगे एंड देखिए आप शाइन देख सकते हैं कितना अच्छा शाइन ये दे रहा है। तो ये मैं कुछ अच्छे इस अपने नोज के ऊपर, अपने यहाँ पे चीक बोन्स के ऊपर, ब्रो बोन्स के ऊपर, सब जगह इसको अप्लाई करती हूँ एंड बहुत अच्छा शाइन क्रिएट करता है ये। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये भी आपको नायका में अवेलेबल मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है ये वहां पर। और इसका भी प्राइस अभी मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है, तो मैं सबके प्राइस नीचे आप लोगों को बता दूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये मेरा अनदर प्रोडक्ट है। एट लास्ट हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं हम आप लोग अपने लिप्स के ऊपर। तो लिप्स मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं लिपस्टिक्स जो होते हैं हमारे मेकअप के अंदर, तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, आपको अपने मेकअप किट के अंदर एक लिप बाम होना बहुत ज्यादा मस्ट है, बिकॉज लिप जो होते हैं मॉइस्ट करना लिपस्टिक लगाने से पहले इज मस्ट, बहुत नेसेसरी होता है ये। तो मैं यहाँ पर यूज करती हूँ लैक्मे का लिप बाम। और तो ये काफी पुराना भी हो चुका है एंड इसका शेड लाइट पिंक बोल सकते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा इसका शेड है। और ये कुछ टाइप से मैंने इसको यूज कर दिया है। लिपस्टिक लगाने से पहले आप पक्का अपने लिप्स के ऊपर लिप बाम लगाइए, अप्लाई कीजिए एंड देन इसके बाद आप लिपस्टिक लगाएंगे तो बहुत अच्छा उभर के आएगा लिपस्टिक का कलर एंड आपके लिप्स बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे आपके लिप्स। तो ये आपका अनदर प्रोडक्ट जो यूज करते हैं हम, ये हो गया। एंड उसके बाद बात करते हैं लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए मैंने ये फोर शेड्स यहाँ पे रखे हैं, बाकी मेरे पास और भी शेड्स हैं, बट बहुत ज्यादा मैस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अपने अपने मेकअप पाउच के अंदर। तो मैं आप लोगों को जो खास खास मेन जो आपके लिपस्टिक शेड्स होते हैं, वो आजकल ट्रेंड में न्यूड शेड बहुत ज्यादा चल रहा है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं न्यूड शेड की बाद में करूंगी, तो उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है ये वाला शेड का लिपस्टिक है, ये मेबलिन का न्यूयॉर्क लिप ग्रेडेशन लिपस्टिक है। ये क्रेयॉन्स के फॉर्म में आता है, लाइक इस टाइप से ये वर्क करता है ऐसे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको, इससे भी आप इसको सेट कर सकते हैं, ये भी ऐसा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मेबी थोड़ा सा 500 के ऊपर जाएगा, बट आई थिंक अभी मैंने लास्ट चेक किया था तो ये 499 का प्रोडक्ट था ये। इसका शेड नंबर पिंक 1 है। अगर आपको मेरा लिपस्टिक का ये शेड पसंद आ रहा है तो इसका शेड पिंक 1 है, तो आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। एंड सेकंड मेरे पास मेबलिन का कलर सेंसेशनल इंटेंस क्रियॉन है, ये मेरा मरून शेड है, थोड़ा इस टाइप का शेड है ये, देखिए। अगर आपको थोड़ा सा चॉकलेटी ब्राउनी टाइप का शेड आपको अपने लिप्स के ऊपर चाहिए तो आप ये वाला इसके साथ जा सकते हैं। एंड जो थर्ड, अगर आपको बहुत ज्यादा एक, अगर आप बोल सकते हैं पार्टी वेयर लुक क्रिएट करना है अपने छोटे से मेकअप पाउच से, तो लिपस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरे पास ये NYB शक्ति का एक ये लिपस्टिक है, आपने मेरे और भी वीडियोस में देखा होगा, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं मेरे पर्पल शॉपिंग हॉल वीडियो में इसका कोड नंबर। तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये इसका शेड है पैलेजा इटालिया और इसका शेड नंबर आता है
स्लैम 16 इसका शेड है एंड वाइबी शक्ति का है ये। इसका टेक्सचर मैट में ये लिपस्टिक है एंड इट बहुत मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है ये। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसका कलर है। तो ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी ये थर्ड लिपस्टिक। डार्क शेड भी होने आपके मेकअप किट में बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज कभी भी हमें कैसा भी मेकअप लुक क्रिएट करना पड़ जाता है तो ये लिपस्टिक उसके लिए है। एंड लास्ट एट लास्ट जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैं हर टाइम यूज करती हूँ, ये बहुत छोटू सा है, मेरे पास इसका बड़ा शेड भी है, वो 299 का आता है। तो ये मेबलिन का कलर सेंसेशनल क्रीमी मैट लिपस्टिक है और इसका शेड न्यूड है, आप देख सकते हैं ऐसे। तो ये न्यूड शेड का लिपस्टिक है। तो ये फोर लिपस्टिक्स मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप इस टाइप के, बाकी कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं बट इस टाइप का फोर कुछ आपको अपने मेकअप किट में रखना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सो फ्रेंड्स, होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर नियर एंड डियर वंस, एंड अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का अलर्ट आपको सबसे पहले मिले। सो गाइज, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।